टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर पायल शर्मा ने कहा कि टैरो वास्तु ज्योतिष व आध्यात्मिक उपचार एक ऐसी चीज है जो समर्पण और भक्ति की भावना पैदा करती है। व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि वो जो कार्य कर रहा है पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहा है, तभी सफलता उसके कदम चूमती है। टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर पायल शर्मा स्थानीय ब्रह्मचौक पर बने मीडिया सेंटर में आज पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आई हैं। यहां आकर उन्हें बेहद अच्छा लग रहा है। इसके लिए उन्होंने हरियाणा सरकार की भी खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि टैरो कार्ड के माध्यम से आप अपना भविष्य जान सकते हैं। इसके लिए एक विधि निर्धारित है। इसके तहत आपको अधिकतम 3 कार्डों का चयन करना होता है। इन कार्डों पर जो बातें उल्लेखित होती हैं, टैरो कार्ड रीडर उनके जरिए आपके प्रश्नों का जवाब देता है और आपके भविष्य के बारे में बताता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा एक टैरो कार्ड का चयन कर आप अपने मन के प्रश्नों के उत्तर टैरो कार्ड रीडर से जान सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ सीमितताएं होती हैं। उन्होंने कहा कि वे पिछले 15 सालों से टैरो कार्ड पर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि टैरो कार्ड ताश के पत्तों की तरह होते हैं। पहले के समय में कार्ड का प्रयोग सिर्फ खेल के तौर पर किया जाता था, परंतु धीरे धीरे इन कार्ड का प्रयोग भविष्य देखने और सवालों के जवाब लेने के लिए करने लगे हैं। टैरो कार्ड न सिर्फ भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की भी जानकारी बताते हैं, ये कार्ड समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। ये कार्ड न सिर्फ आपके सवालों का जवाब देते हैं, आपको अध्यात्म की ओर भी ले जाते हैं। टैरो कार्ड परमपिता परमात्मा से भी जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि टैरो कार्ड ज्योतिष फलादेश की एक अद्भुत और प्राचीन विधा है, जिसके माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने, उनका आकलन करने और उनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की रूपरेखा और चित्रों से अंकित कार्ड का प्रयोग किया जाता है, जो स्वयं में एक अलग अर्थ लिए होते हैं। इन सभी कार्ड के दोनों ओर कुछ चित्र बने होते हैं, जिनके माध्यम से भविष्य में होने वाली किसी घटना का फलादेश किया जाता है। उन्होंने अपने वेब पेज www.cosmicwise.com के बारे में विस्तार से बताया। उसके बाद डॉक्टर पायल शर्मा ने सरस और क्राफ्ट मेले का भी भ्रमण किया और मेले में खरीदारी भी की। इस मौके पर उनके साथ उनके भाई कमल शर्मा भी मौजूद थे। लोगों की समस्या का निवारण कर रही हूँ। मैंने इसमें PhD किया हुआ है। काफ़ी समय से मेरा इसका काफ़ी मेरी रुचि रही, क्योंकि मेरा परिवार एक बहुत ही आध्यात्मिक है, इसी चीज़ में आगे बढ़ते चली गई। और जैसे जैसे मैं लोगों की परेशानियों को निवारण करती गई, इसमें मेरी रुचि और भी बढ़ती गई। मैंने इसमें PhD की है बाल्मीकि भवन से, और वास्तु किया है मैंने महावास्तु से। टैरो कार्ड एक पिक्चर की फॉर्म में चित्रों के साथ, जैसे एक पत्ते होते हैं, कार्ड के पत्ते होते हैं, ताश के पत्ते, पहले भी इसको मनोरंजन के रूप में ही लिया गया था, परंतु जैसे जैसे इसमें लोगों की समस्या का निवारण होता चला गया, इसने पिक्चर की फॉर्म में 5 तत्वों को दिया गया है, साथ में न्यूमरोलॉजी नंबर के साथ आप न्यूमरोलॉजी को भी इसमें दिया गया है। पिक्चर के माध्यम से आप बता सकते हैं कि सामने वाले को क्या परेशानी हो रही है और उसकी समस्या का क्या उपाय निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर के माध्यम से। टैरो कार्ड में आपको किसी भी डिटेल को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको सामने वाले प्रश्नकर्ता होना चाहिए और एक टैरो रीडर होना चाहिए। उसका निवारण सिर्फ और सिर्फ उसके विश्वास पे ही, जितना उसका विश्वास होगा उतनी ही जल्दी उसका निवारण भी होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी होता है एक पिक्चर के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हमें वो बताया कि हमें नींबू लाना है, तो नींबू को एक पिक्चर हमारे दिमाग में पहले ही छप जाती है। इसी प्रकार टैरो एक पिक्चर की फॉर्म में किसी की परेशानी को बहुत सरलता से उसको समझा सकते हैं कि कहाँ पर क्या परेशानी आपको आ रही है। बहुत ही ईजी और सरल माध्यम में लोगों की परेशानियों को 90% ही सॉल्व करता है, क्योंकि उसका विश्वास उसके साथ जुड़ा हुआ है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश मधवा की रिपोर्ट।